जिला कुल्लू के रामशिला पतली कोहल सड़क मार्ग पर सीमेंट से भरा एक ट्रक पुल से नीचे गिर गया। ट्रक पुल से नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरा और निचली सड़क पर खड़ी एक गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई, जिसके चलते गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था। वहीं ट्रक ड्राइवर को हादसे में चोटें आई हैं, जिसका अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सीमेंट से लदा हुआ ये ट्रक रामशिला से मनाली की ओर जा रहा था। इस दौरान पतली कुहल में फोर लेन पुल के पास तीखे मोड़ पर अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया और पुल से नीचे सड़क पर जा गिरा, जिस कारण नीचे सड़क पर पार्क की गई गाड़ी भी इसकी चपेट में आकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि हादसे में ट्रक ड्राइवर को चोटें भी आई हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पतली कुहल पुलिस की टीम को दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने दुर्घटना के कारणों की छानबीन शुरू कर दी। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि सड़क दुर्घटना में ट्रक के चालक को चोट आई है, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आगामी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।